students, a very good morning to all of you. My name is Rashmi. Today I am going to teach you subject Hindi literature and topic is the name of chapter. Chapter का name है म्याऊ और लोटा. म्याऊ और लोटा क्या है? आपका part 9 है. Okay? आइए चलिए हम लोग पढ़ते हैं. एक था बच्चा. हाँ हाँ बिल्ली का बच्चा. क्या है इस chapter में? क्या है कि एक बिल्ली का बच्चा है. ठीक है? उसका नाम था म्याऊ. म्याऊ नाम किसका था? बिल्ली के बच्चे का नाम था. ठीक है? वह बहुत क्या था? शरारती था. सारा दिन इधर उधर घूमता रहता था. जो कुछ मिलता खाता रहता था. ठीक है? खा खा कर म्याऊ क्या हो गया था? मोटा हो गया था. जब आप क्या है कंटिन्यूअसली पूरे दिन खाते रहेंगे तो क्या होगा? मोटे हो जाएंगे. तो म्याऊ भी क्या करता था? पूरे दिन खाता रहता था. शरारती हो था वो, इधर से उधर घूमता रहता था, खाता रहता था, तो क्या हो जाता था? वो मोटा हो गया था. ठीक है? हाँ बहुत मोटा. माँ समझाती पर नहीं सुनता था. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मम्मियाँ समझाती हैं, बेटा आप ये काम मत करो, लेकिन आप लोग ये काम करते हैं. तो कुछ बच्चे क्या होते हैं? मम्मी की बात नहीं सुनते हैं. ठीक है? तो ऐसे क्या था, म्याऊ ने भी मम्मी की बात नहीं सुनी थी, तो वो इधर से उधर घूम रहा था. एक दिन ऋतु, ऋतु क्या थी? एक लड़की थी जिसका एक घर था. एक दिन ऋतु के रसोई घर का दरवाजा खुला था. रसोई घर क्या होता है? जहां पर मम्मा आपकी क्या करती है? किचन में, किचन होता है हिंदी में, उसे रसोई घर बोलते हैं, इंग्लिश में किचन बोलते हैं. जहां पे आपकी मम्मा आपके लिए क्या करती है? फूड बनाती है, खाना बनाती है. ओके? म्याऊ भीतर चला गया. कैसे चला गया था? दरवाजा खुला था, उसने देखा तो वो अंदर चला गया. एक लोटे में दूध रखा था, उसकी तो मौज हो गई. मौज भी उसकी तो मजे ही आ गए जब उसको क्या मिला? दूध मिल गया. बिल्ली के बच्चे ने लोटे में मुंह डाला. बिल्ली के बच्चे ने क्या कर दिया? लोटा था उसमें क्या करा? मुंह डाल दिया. दूध नीचे था, उसने पूरा सिर अंदर डाल दिया. और क्या था? दूध क्या था? नीचे था, तो उसने क्या किया? सिर अपना अंदर डाल दिया. गप 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 सारा दूध क्या हो गया? वो पी गया था. ठीक है? अब म्याऊ ने लोटे से मुंह बाहर निकालना चाहा, पर वो तो फंस गया था. म्याऊ लोटे को इधर उधर पटकने लगा, उसका सिर किसी तरह बाहर ना आया, वह रोने लगा था. जब भी आप क्या है परेशानी में होते, लेकिन आप लोग खुद शैतानी करते हो और आप क्या होते परेशानी में फंस जाते, तो आप क्या करते? रोने लगते. सेम ऐसे क्या किया? बिल्ली के बच्चे ने किया. ऋतु ने म्याऊ की आवाज सुनी, वह दौड़ी आई. उसने म्याऊ को पकड़ा, बैठ कर लोटा पांव के बीच में रखा, म्याऊ को खींचा, म्याऊ का सिर बाहर निकल आया. म्याऊ की आंखों में आंसू थे. ऋतु हंसते हंसते बोली, किसी के हिस्से का दूध पिया या उसकी सजा थी. भाग यहाँ से. बिल्ली का बच्चा लोटे के ऊपर से कूदा और भाग गया. तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला? कि हमें हमेशा कभी शरारत नहीं करनी चाहिए और हमें हमेशा अपनी मम्मा की या अपने से बड़े लोगों की बात सुननी चाहिए. अगर हम बात नहीं सुनेंगे तो हम हमेशा क्या करेंगे? परेशान रहेंगे और ट्रबल में रहेंगे. ठीक है? सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी. आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. कीप स्टडीइंग.